गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर एट विंड स्टोम एंड साइक्लोन्स सो इस चैप्टर में हमने विंड और स्टोम के बारे में पढ़ लिया था साथ ही साथ ये भी जान लिया था कि साइक्लोन क्या होता है आज हम जानेंगे डैमेज कॉज्ड बाय साइक्लोन द कम्बाइंड फोर्स ऑफ वॉटर वेव्स एंड विंड रिजल्ट इन ट्रीज गेटिंग अपरूटेड हाउसेज कोलेप्सिंग एंड टेली कम्युनिकेशन लाइन्स गेटिंग डिस्टर्ब तो साइक्लोन की वजह से क्या क्या डैमेजेस होते हैं जब वॉटर वेव एंड एक साथ आती हैं, तो साइक्लोन उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से क्या होता है बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं बड़े बड़े मकान जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है देयर इज अ हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बहुत ही धन संपदा और जीवन का भी नुकसान हो जाता है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है और बहुत सारे लोग का प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ अ साइक्लोन कम्स फ्रॉम द फर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टूजली टोपल फेंसेस शेड ट्रीज पावर पोस्ट तो ये सारी चीजों को वो उखाड़ने की हिम्मत रखता है साइक्लोन्स पुश वॉटर एंड प्रोड्यूस वॉटर वेब्स कॉजिंग फ्लड तो साइक्लोन की वजह से क्या आता है बाढ़ भी आ जाती है इट कॉजेस लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल साथ ही साथ जमीन की जो उपजाऊपन है वो भी कम हो जाती है या फिर नष्ट भी हो जाती है अब हम पढ़ेंगे टोर्नेडोस के बारे में अ टोर्नेडो इज अ वायलेंट स्पिनिंग स्टोम टिपिकली शेप्ड लाइक अ फनल किसके शेप जैसा होता है बिल्कुल एक फनल के शेप जैसा होता है और बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है नैरो एंड ऑफ द ग्राउंड ग्राउंड के तरफ ये बहुत ही सक्रिय सी होती है वेन इट टचेज द ग्राउंड इट एक्ट लाइक अ वैक्यूम क्लीनर जब ये ग्राउंड को छूती है तो ये वैक्यूम क्लीनर जैसा वर्क करती है जैसे वैक्यूम क्लीनर अपने आप अपने अंदर सब कुछ खींच लेती है उसी तरीके से टोर्नाडोज भी वैक्यूम क्लीनर की तरफ वर्क करती है और ग्राउंड से सभी कुछ खींचती जाती है ट्रोन इज डेवलप फ्रॉम थंडरस्टोम एंड आर फॉर्म मोस्टली ऑन लैंड ये ज्यादातर लैंड में फॉर्म होती है और ये अपने साथ क्या डेवलप करती है थंडरस्टोम एज इट गोज इट सर्स अप एनीथिंग ऑन इट्स इंक्लूडिंग बिल्डिंग ट्रीज काउस एंड कार्स एंड ड्रॉप वेन इट फोर्स डिक्रीज ये सभी कुछ अपने अंदर खींच लेती है चाहे वो कार हो चाहे गाय हो चाहे बिल्डिंग हो चाहे पेड़ हो और जब इसका पावर कम हो जाता है तो उसको दूर कहीं फेंक देती है अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी मेजर अगेंस्ट साइक्लोन साइक्लोन आने से हमें सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल तो साइक्लोन के लिए लोगों को सावधान करने का जो सिस्टम होता है या फोरकास्ट भी कहते हैं हम जिसे वो इंस्टॉल करके रखना चाहिए पीपल शुड बी गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लोन वेल इन टाइम थ्रू रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे लोगों को टाइम से उसकी जानकारी मिल जाए और लोग अपने आप को बचा सके देयर मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेन्जमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्टर टू सेफर प्लेस और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट प्रोपरली होना चाहिए फूड एंड मेडिकल फैसिलिटीज शुड बी केप्ट रेडी एंड द रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी स्ट्रीम लाइन इन डिजास्टर अफेक्टेड एरिया और जहाँ पे ये डिजास्टर आता है वहाँ के लोगों को पूरी फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए चाहे वो दवाई हो चाहे उनका ट्रीटमेंट हो अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर जो हमें इस समय ध्यान रखना चाहिए नेवर इग्नोर द वार्निंग फॉर साइक्लोन्स इशूड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी अगर किसी तरीके के एजेंसी से इस तरीके की कोई वार्निंग आती है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए उसे मानना चाहिए डू नॉट लेट चिल्ड्रन टच वेट स्विचेस एंड ब्रोके पावर लाइन इन दफेक्टेड एरिया जहाँ भी इस तरीके का टोर्नाडोज आते हैं वहाँ पे आपको उस समय, के, उस समय में आपको या बच्चों को कभी भी गीले हाथों से स्विचेस को नहीं पकड़नी चाहिए या किसी भी ब्रोकन पावर लाइन को ऐसा पावर लाइन जो टूटा हुआ है उसको नहीं टच करना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉपरेट रेस्क्यू ऑपरेशन टीम इमरजेंसी के दौरान जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम होती है जो हमारी मदद करने के लिए पहुंचती हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए लिसन टू रेडियो और टीवी फॉर द लेटेस्ट वेदर वार्निंग एंड एडवाइस हमें हमेशा टीवी या रेडियो में फॉलो लेना चाहिए फॉलो अप लेना चाहिए कि कैसा मौसम का मिजाज है या क्या चल रहा है पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू अदर और साथ ही साथ दूसरों को भी मैसेज सेंड करना चाहिए ताकि वो भी अपने आप को बचा सके डू नॉट लिसन टू और स्प्रेड रूमर्स फॉलो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्स किसी भी ऐसी जानकारी को नहीं फैलाना चाहिए जिससे लोगों में भ्रमिक जानकारी फैली मूव टू अ साइक्लोन शेल्टर अलोंग with योर फैमिली when advised बाय द authorities. कैरी योर कैश valuables, डॉक्यूमेंट्स एंड इमरजेंसी किट विद यू तो आपको जैसी इसकी जानकारी मिले अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह पे पहुंचना चाहिए जहां सरकार ने इसकी व्यवस्था करी होती है या जो अथॉरिटीज रहते हैं उन्होंने उसकी व्यवस्था करी रहती है और अपने साथ कैश और जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको या इमरजेंसी किट जो होती है वो आपको अपने साथ लेके जाना चाहिए सो so, आज हमने इस चैप्टर को खत्म कर लिया है आज आपको इस चैप्टर को एटलीस्ट टू टाइम रीड करना है और इसके जो एक्सरसाइजेस हैं ये आपके लिए होमवर्क है आपको इसे फील करके मंडे तक मुझे सॉरी ट्यूसडे तक मुझे सेंड कर देना है